So hey guys, it's me DeepLife back again with another video. मुझे कल एक Instagram पे एक लड़के ने मैसेज करके पूछा कि यार मेरे बाल व्हाइट हो रहे हैं और मुझे घर पे कलर करना है, पर घर पे मैंने कभी कलर किया नहीं है, मुझे उसके बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो ये मैं वीडियो उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको मन में इच्छा है कि यार घर पे कलर करना है, फटाफट कलर करना है, ज्यादा एक्सपेंसिव सलॉन्स में नहीं जाना है, महंगी ट्रीटमेंट्स नहीं करवानी है. बाहर जो 100, 200, 300 रुपए में कलर्स मिलते हैं वो यूज करके घर पे सलॉन जैसे हेयर पाने हैं, तो वो कैसे करना है वो अभी मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ. एंड यू कैन सी दिस इज हाउ माई हेयर इज लुकिंग लाइक. अभी मैंने रेड किए थे मेरे बाल, पर अभी एक कॉपर जैसी शेड हो गई है. मतलब मेहंदी लगाते हैं ना तब ऐसी शेड हो जाती है, तो मुझे ये शेड नहीं चाहिए, थोड़ा डार्कर कलर चाहिए अभी, क्योंकि आई एम बोल्ड. पहले जब किया था ब्राइट रेड था जो मुझे बहुत पसंद आया था, बट ये ऑरेंजिश मेहंदी कलर मुझे नहीं पसंद आ रहा. कई सारी लड़कियां कलर करती है पर लड़के कतराते हैं. आप लोग भी इतने सारे एक्सपेरिमेंट करो अपने बालों से, ऐसे मैं नहीं कहता, ये मैं खुद पे ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है अपने लुक्स चेंज करते रहने में, बहुत मजा आता है. तो अभी आप देख सकते हो मैंने इधर थोड़ी सी वैसलीन लगा दी है, पेट्रोलियम जेली जैसे आप कहते हैं, जब भी कलर करूं तो इधर चिपके ना. तो यू कैन सी इधर लिखा है नो अमोनिया. और ये जो ब्राउन शेड है, मुझे इतना ज्यादा डार्क ब्राउन कलर चाहिए, पर वो फेड हो के डिफरेंट होने ही वाला है ओवर टाइम. अभी ये जो कलर है वो भी फेड हो रहा था, तो अभी ये करूंगा वो भी फेड हो जाएगा. मैं ये कलर मार के देखता हूँ. तो ये डेवलपर है, तो ये है कलर एंड और क्या है अंदर, तो देयर इज द शाइन टॉनिक विद इट. मैं ये कलर से इतना ज्यादा खुश नहीं हूँ और मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, तो फ्यूचर में भी मैं फिर से बी बियॉन्ड में जाऊंगा ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे और बहुत एक्सपेरिमेंट करने हैं मेरे बालों पे. तो अभी तो हम ये सारी चीजें निकाल लेते हैं. तो उन्होंने बताया कि डेवलपर यूज करने का है, उसमें कलरेंट मिक्स करने का है और उसमें एक साशे शाइन टॉनिक का डालना है. तो दिस इज द कलर दैट आई एम यूजिंग बाय द वे. कि कितनी सुंदर सी लड़की है, चॉकलेट ब्राउन. देखते हैं चॉकलेट जैसे अपने बाल होते हैं या नहीं. इन्होंने बताया ग्रेस तो ब्राउन हो जाएंगे, काले बालों पे इतना असर नहीं करेगा. अभी मेरे बाल तो एकदम रसना जैसे ऑरेंज है, तो मेरे बालों पे ब्राउन क्या असर करेगा पता नहीं. तो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, लेट्स सी करके देखते हैं. कांच के बोल में निकाल लेता हूं, आपको कांच का बोल इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मेटल बोल इधर लिखा है कि अलाउड नहीं है, प्लास्टिक का मुझे पता नहीं, इसलिए आई एम यूजिंग अ कांच का बोल. अमोनिया नहीं है ऐसे इसमें लिखा तो है, पर इसका जो स्मेल है काफी ज्यादा स्ट्रांग है. तो आप देख सकते हो इसमें मैंने कलर और शाइन टॉनिक ऐड कर दिया है. इतना नाक के पास रखना मत, इसकी फ्यूम्स काफी ज्यादा स्ट्रांग है. तो ओके डेवलपर, आप देख सकते हो कैसे एकदम कंडीशनर की तरह, इतना सही है, इतना बड़ा ट्यूब और इतना सही डेवलपर. ओके निकल रहा है, देख सकते हो आप, यूज कर लेते हैं मस्त, एकदम क्रीम दही की तरह लग रहा है. ओके और अभी ये जो मैं ब्राउन करूंगा ना वो भी फेड होते जाएगा टाइम के साथ, तो हेयर कलर फेड होते जाता है. इस पे लिखा था इट विल लास्ट फॉर अराउंड 8 weeks, तो 2 महीने रहेगा तो अच्छी बात है. तो क्लोज पहनते एकदम ऐसे क्राइम सीन की याद आ रही है मुझे, सर्जरी विर्जरी करते हैं ना सर्जन, तो ऐसे फील आ रही है पूरी. ओके कलर मुझे थोड़ा कम लग रहा है, पता नहीं सब कवरेज मिलेगी या नहीं, पर शायद लग जाएगा. तो मैं ऐसे लगाते नहीं बैठता यूजुअली, मैं सीधा हाथों से लगाना पसंद करता हूँ. तो आप देख सकते हो कलर काफी ज्यादा डार्क हो गया है, पर वो तो धोने के बाद ही एक्चुअली पता चलेगा कि अपने बाल कैसे हो गए. पर मेरे जो हेयर आप देख सकते हो अभी तो काले लग रहे हैं और मुझे पता नहीं धोने के बाद कैसे लगेगा. तो और थोड़ी देर वेट करूंगा, मुझे लगता है और 20 मिनट वेट करना पड़ेगा. हेयर कलर अपना जलवा दिखा रहा होगा अंदर ऑलरेडी. अगर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, मैं आपको बताते रहूंगा मेरी हेयर की कंडीशन क्या है, क्योंकि मैं हर एक चीज के लिए एक पूरा नया वीडियो नहीं बना सकता. तो दोस्तों मैंने कंघी लेके भी थोड़ी कंघी घुमा दी और उससे क्या हुआ, कलर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो आप लगाते लगाते कंघी से कॉम करोगे तो मुझे लगता है वो बेटर ऑप्शन रहेगा. अरे क्या बे सर्किट, अभी मैं जाता हूँ धो के आता हूँ और फाइनल रिजल्ट आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ. आई वॉज यूज टू सीइंग माई सेल्फ विथ रेड ब्राइट हेयर. तो दोस्तों मैं कुछ इस तरह लग रहा हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ एक छोटी बिजनेस मीटिंग है एक्चुअली, एंड दिस इज हाउ माई हेयर इज लुकिंग लाइक. इट इज लुकिंग लाइक चॉकलेट ब्राउन, मतलब ब्राउन थोड़ा आप देख सकते हो, और ये बाल भी फेड होते जाएंगे. सो दिस इज मे बी नॉट द फाइनल प्रोडक्ट. कलर करने के पहले मेरे बाल इतने ज्यादा डेंस नहीं लग रहे थे, पर आपके बाल ब्लैक है
तो ब्लैक कलर बालों पे काफी ज्यादा बालों को डेंस बताता है, मतलब घना, आपके बाल ज्यादा घने लगेंगे ब्लैक कलर से। अगर आपको कलर करना है और आपकी स्किन टोन मेरे जैसी है, व्हीटिश या फिर इंडियन थोड़ा फेयर, तो आप ये चॉकलेट ब्राउन कलर इस्तेमाल कर सकते हो। मैं बोलूंगा ब्लैक मत करना, ब्लैक ज्यादा ही ब्लैक ब्लैक हो जाता है, पर ब्राउन, डार्क ब्राउन या चॉकलेट ब्राउन मेक्स मोर सेंस। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आपके डीप लाइफ के बाल अभी कैसे लग रहे हैं। तो दिस वॉज अ वेरी सिंपल ट्यूटोरियल कि आप अपने बाल घर पे कलर कैसे कर सकते हो कोई भी कलर से। अगर आपको ब्लॉन्ड मारना है, ब्लॉन्ड मार दोगे बालों पे, तो आपके बाल ब्राउन का लाइटेस्ट शेड हो जाएंगे। वो भी मैंने किया है, उसकी लिंक इधर आई बटन में दे दूंगा। आपके कोई भी रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त हेयर कलर करने से डर रहा है, तो बेशक इस वीडियो को बता दीजिए, उनके पास शेयर मारिए और खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करिए। अगर कोई भी चीज आपको कॉन्फिडेंट फील करा रही है, वो चीज कीजिए। आपके लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहिए जैसे डीप लाइफ करता है। मैं नहीं कहता आप लोगों को करना ही चाहिए, बट करके मजा आता है यार। सो वेल गाइस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव दिस वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।